हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद अली और आप देख रहे हैं टेक्निकल अहमद। आज की ये वीडियो जो है गोल्डन पार्टनर के हवाले से, भाई गोल्डन पार्टनर के साथ जो वारदात हुई है वो किस वजह से हुई, क्या कस्टमर ने खुद प्लान करके करवाया या फिर पार्टनर की गलती थी या फिर हमारी कोई लोकेशन ऐसी थी जिसकी वजह से जो है ये वारदात हमें जो है भुगतना पड़ी। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि जो पार्टनर है वो है नॉर्थ कराची के रहने वाले और उनकी जो है सुबह 10 बजे टाइमिंग होती है ऑनलाइन होने की। तो वहाँ से जो है नॉर्थ से पार्सल उठाते डिफरेंस या जौहर या फिर महमूदाबाद इस साइड निकल जाते हैं ताकि एक लंबी सवारी लग जाए और वहाँ से जो है काम शुरू हो जाए। तो इत्तफाकन यहाँ से जो है उन्होंने नॉर्थ कराची डिफेंस वापस जो है नॉर्थ नाजमाबाद के लिए। तो इस तरह करते करते एक दो राइड और लग गई, आखिर वो पहुँच गए कटी पहाड़ी। आपको तो पता ही है, आप बोलोगे यार पागल तक पार्टनर कटी पहाड़ी किस तरफ गया। असल में जो राइड उसकी लगी है वो कटी पहाड़ी के करीब गई, 2 किलोमीटर दूर था कटी पहाड़ी। तो उसने ये कहा कि चलो यार अब यहाँ करीब है, यहाँ से जो सवारी लगी है वो डिफेंस की है और जो कस्टमर आया होलिया के मुताबिक अच्छा खासा कॉटन वगैरह पहन के आया था कि लगे ना कि कोई मसला है। तो वल्ला आलम क्या मसला था। और दूसरा जो आपके पास थंबनेल नज़र आई वो भी भाई किसी और की है, लेकिन एहतियातन मुझे लगानी तो थी किसी ना किसी की, तो ये है कि मैंने लगा दी क्योंकि ये किसी न्यूज़ चैनल की थी तो मैंने वो लगा ही देता ताकि हमारे पार्टनर को आगाही मिल जाए कि आखिर हुआ कैसे, गलती क्या थी इसमें। बात बताने के डेली तो चोरियाँ होती हैं लेकिन वजह क्या है आखिर जो इस वारदात में जो है उसको लोस उठाना पड़ा। तकरीबन 28,000 का मोबाइल भी गया और 5,000 की COD ली हुई थी वो भी गए। खैर वो बाइकिया से बात हो रही, इंशाल्लाह रिकवर हो जाएंगे। अब आ जाते हैं कि भाई पार्टनर की क्या गलती है। भाई पार्टनर की जो सबसे पहली गलती जो मैं भी करता हूँ आप भी करते हैं, चलें कटी पहाड़ी से उसने राइड उठाई, लेकिन जैसे ही राइड उठाई वो कोई 200 मीटर भी मुश्किल से चला हुआ मेन रोड पे जैसे आया उसके पीछे जो है 125 पे लड़के आए हो उसकी जो है मोबाइल वगैरह, वो कस्टमर से भी मोबाइल ले, कस्टमर से पैसे वगैरह इन्होंने जो है पॉकेट में पैसे रखे हुए थे साइड पॉकेट में बाइक के, तो वो तो खैर बचत हो गई है। यानी कि थोड़े से जो 200-300 रुपये थे जो जेब में थे वो आपको पता है आते ही साथ जेब में हाथ डालते हैं और जो चीज़ मैं ही बोले। तो COD अमाउंट जो थी वो अभी इन्होंने रखी नहीं थी तो साइड वाले जेब में थी, जैसे ही उन्होंने हाथ मारा वो 5,000 रुपये ले उड़े और जो है आपका एक मोबाइल भी ले। अब कस्टमर के पास, कस्टमर से भी वही जो हाथ में उनके चीज़ आई वो ले गए, मोबाइल भी था उनके पास। तो अब सबसे बड़ी गलती ये है कि भाई जब भी आप राइड मुकम्मल करते हो किसी भी अननोन एरिया में या कहीं भी, तो भाई ये एहतियात करें कि जब भी राइड एंड हो, मैं भी ये गलती करता हूँ, वहीं खड़े होकर हम चेक करते हैं कि वॉलेट में कितने थे आप कितने प्लस हो गए। भाई ये गलती नहीं करो, पैसे कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है आप वहीं राइड एंड करो और वहाँ से निकल लो, किसी भी मेन चौराहे पर आ जाओ वहाँ आप देख कर तसल्ली है, किसी होटल के पास खड़े हो जाओ वहाँ आके ये तसल्ली कर लो। ये नहीं कि भाई आप वहीं खड़े होकर हर चीज़ चेक कर लो, ये सबसे बड़ी गलती होती है, ठीक है। और दूसरा कि भाई जब भी कस्टमर से आप राइड लेते हो तो ये देख लिया करें मैप में क्या या आखिर लोकेशन कहाँ की है। अगर समझ नहीं आए लोकेशन आप वहाँ जाओ, ठीक है आपको लग रहा है कि आप कुछ ना कुछ गड़बड़, आपने करना ये है कि वहाँ जाके मोबाइल बंद करो और चले आओ, छोड़ दो भाई राइड कैंसिल कर दो। वजह ये कि भाई 135 रुपये के चक्कर में आप 30,000 का मोबाइल तो नहीं गिनवा सकते हैं ना। तो भाई ये सबसे बड़ा एहतियात ज़रूर कीजिएगा। और तीसरा जो बड़ा एहतियात मैं बता रहा हूँ वो मैं भी कर चुका हूँ, और मैंने उस दिन जो मैं लांडी में खड़ा हुआ था वहाँ पार्टनर भी ऐसा करता था। अब हम करते क्या, खुद से सुनिएगा, एक हेलमेट पहना हुआ, ठीक है हमने कोई भी व्हाट्सएप वॉइस सुनी हो तो हम इस तरह से पकड़ लेते हैं ताकि वो जो वॉइस है यहाँ कानों में लगे, हेलमेट तो ऑलरेडी पहना हो। लेकिन भाई सबसे बड़ी गलती है इसमें, अगर यहाँ से भी अब जैसे आप ये सुन रहे हैं यहाँ से पीछे से कोई बाइक पे आए तो यहाँ से आपके मोबाइल ले जाए, तो भाई इसमें आपका मोबाइल जा सकता है। भाई ये सबसे बड़ी गलती है, ये मत किया करें, ठीक है ना। क्योंकि मैंने उस दिन जो नोट किया वारदात के बाद आखिर ये भी मुझे पॉइंट मिला कि यार ये नहीं करना चाहिए। और दूसरा जब भी आप मोबाइल रखें टैंकी पर रखा करें, वहीं चलाएँ वहीं हर चीज़ का हैंड फ्री अगर लोकल मिलती है अच्छी क्वालिटी की पड़ी हुई हैंड फ्री जिसको चाहिए भाई बता देना भिजवा दूँगा। वजह यह कि भाई हर चीज़ तो बंदा नहीं बता सकता है, थोड़ा सा अपना भी एहतियात करना चाहिए। तो ये एहतियात थे भाई
दूसरा ये है कि ऑफलाइन राइडिंग ज़्यादा ना उठाया करें, वारदात बहुत ज़्यादा होगी, चलते फिरते वारदात हो जाती, भाई कोई पता नहीं, आप समझते यार बूढ़ा है चलो मैंने लिफ्ट ले, लेकिन बूढ़े ही काम कर जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर किसी मुताल्लिक कोई भी सवाल हो तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप हमारे छोटे से नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और हमें अपनी मालूमात दे सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी अगर नए वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।